डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल AEJEE। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक के ऊपर होगा। हम लोग ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हमारे किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जाता है। जैसे में हमारा जो SSC JEE होता है उसमें भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाता है। राजस्थान AEN JEE में भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा जाएगा। UPCL AE में भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर रहेगा। DSSSB में भी रहेगा, यूपी मेट्रो हो या फिर BPSC AE के भी बेसिक इंजीनियरिंग वाले पार्ट में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहाँ कहीं पर भी आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है टॉपिक होगा वो लोग ये वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट देखना हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को और इस वीडियो में हम लोग क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग जो है वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला क्या है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर का बात आता है तो सबसे पहले देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो एक हमारा प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगर हम लोग कुछ डोपिंग कर दें, यानी कि डोपिंग मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज अगर किसी भी मटेरियल सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग मिक्स करते हैं तो हम लोग उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मटेरियल होता है अब हो जाता है इम्प्योर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। अब देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट आता है, यहीं से हमारा दो कंसेप्ट मिलता है यानी कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का। जब हम लोग जो है इम्प्योरिटी को मिलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो हमारा इम्प्योर हो जाता है या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है दो टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, दो टाइप बनता है, एन टाइप और पी टाइप। अब जो एन टाइप का कब बनता है, हमको पता है कि हमारा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम हमारा जनरली यूज किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। अगर हम लोग जो है एन मतलब कि जिसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल को मिक्स करें, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल को मिक्स करें, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या मटेरियल मिक्स, फॉस्फोरस को मिक्स कर सकते हैं, आर्सेनिक को मिक्स कर सकते हैं, एंटीमनी को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इन दोनों को हम लोग यहाँ पे मिला सकते हैं। अब देखो इसको मिलाएंगे तो इसमें क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन इसका 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हमारा जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन जर्मेनियम उसका 4 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 4-4 तो हमारा बॉन्ड बना लेगा आपस में, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एन टाइप नहीं बोलते, एन टाइप में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हमारा वो एन टाइप बनता है। ठीक है, और एन टाइप में क्या क्या होता है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, लेकिन यहाँ पे हमसे कुछ और पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉली न्यूट्रल होता है, निगेटिव चार्ज होता है या फिर ननद्विध्रुव। तो हमारा देखिए एन टाइप या पी टाइप कोई भी हो वो इलेक्ट्रॉली न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट में आते हैं पी टाइप के बारे में। पी टाइप में हम लोग ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं जिसमें हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल कौन कौन सा होता है, सबसे पहले तो हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में जानते हैं। उसके बाद से हम लोग देखो एक और चीज़ देखो, यहाँ पे हमारा जो है ना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले में फॉस्फोरस हो गया, ये तो सबको याद रहता है, लेकिन आर्सेनिक और एंटीमनी के बारे में बहुत कम लोग याद रह पाता है। तो आप कैसे याद रखोगे, दोनों जो ए से शुरू होगा वो 5 हमारा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि वो एन टाइप मटेरियल में आएगा। यानी कि हमारा आर्सेनिक और एंटीमनी के बारे में कुछ भी पूछे तो आप लोग क्या टिक करोगे कि आपका जो मटेरियल होगा एन टाइप होगा। अब आते हैं पी टाइप वाले में। पी टाइप वाले में तो एल्यूमिनियम तो कंफर्म है, सबको याद रहता है कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन और भी 2 मटेरियल होता है जिसके बारे में कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो क्या क्या होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडियम और फिर हम लोग लिख सकते हैं गैलियम, इंडियम और गैलियम लिख सकते हैं, इंडियम और गैलियम। देखियो याद रखने का तरीका क्या है, जहाँ पे अम आ जाए मतलब यूएम जहाँ पे आ जाए लास्ट में, वो उस मटेरियल का समझोगे आप लोग कि हमारा वो पी टाइप का होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। फिलहाल हम लोग इतना ही समझते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही कि एन टाइप और पी टाइप क्या होता है, आगे के क्वेश्चन में बाकी क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज कॉल्ड। देखो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में हम लोग पहले देखें कि जिस भी मटेरियल का
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, उसको अगर मैं ऐड करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो 5 हो, अगर उसको ऐड करते हैं किसमें, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में या प्योर सेमीकंडक्टर में, तो हमारा क्या बनता है, पेंटावेलेंट बनता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, हम लोग यहाँ पे जो है फॉस्फोरस ऐड किया जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। अब हम लोग पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि देखो जहाँ कहीं भी ट्राईवेलेंट कॉन्सेप्ट आपको दिखा, ट्राईवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम लोग थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला मटेरियल को मिला रहे हैं, थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनका हो उसको हम लोग मिक्स करा रहे हैं, थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले। अब आप लोग खुद बताओ कि थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल कौन कौन सा है, हम लोग पहले ही पढ़े कि अम वाला यानी कि इंडियम और फिर क्या गैलियम, जहाँ कहीं पर भी यूएम दिखे वो हमारा ट्राईवेलेंट हो जाता है, एल्यूमिनियम तो सबको याद रहता है, ठीक है। तो यहाँ तो पहले ही ऑप्शन हमारा होगा थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, द इम्प्योरिटी लेवल इन ए सेमी कंडक्टर इज अबाउट, कितना टाइम ये प्योर कंडक्टर का, प्योर सेमी कंडक्टर का होता है इम्प्योरिटी। देखो हम लोग जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, हमको पता है कि अगर 10^8 एटम्स है हमारे पास, तो हम लोग एक इम्प्योरिटी को मिला सकते हैं, तो इम्प्योरिटी एटम कितना मिलेगा, हमारा एक एटम इम्प्योरिटी का मिलेगा, किसमें, 10^8 एटम्स हमारे पास प्योर सेमी कंडक्टर का है। अगर हम लोग को डोपिंग करना है या उसको इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे ही एक एटम को इसमें मिला देंगे ये हमारा क्या बन जाएगा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग इम्प्योर भी बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। यहीं से हमारा कंसेप्ट निकल जाता है एन टाइप और पी टाइप का, क्लियर, ठीक है। यानी कि हम लोग एक एटम को मिलाते हैं, कितने एटम पे, 10^8 एटम्स के ऊपर, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, एज द डोपिंग इंक्रीजेज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर। देखो डोपिंग बढ़ाने से क्या होता है, डोपिंग बढ़ाने से हमारा क्या होगा कि बल्क रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। डोपिंग बढ़ाने से क्या होगा, बल्क रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि अगर डोपिंग हम लोग बढ़ा रहे हैं तो बल्क रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, बल्क रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज करेगा। आगे आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि कैसे डिक्रीज करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इन ए सेमी कंडक्टर करेंट कंडक्शन इज ड्यू टू, इन ए सेमी कंडक्टर करेंट कंडक्शन इज ड्यू टू। अब देखो सेमी कंडक्टर है तो इसमें करंट का कंडक्शन किसके कारण से होता है, तो हम लोग पढ़े थे सेमी कंडक्टर के अंदर होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों का कंसेप्ट आता है, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से हमारा क्या होता है, करंट का कंडक्शन होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, ये फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, और फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट निकल के आया यहाँ पे कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बायसिंग का मतलब क्या होता है, फिर आता है फॉरवर्ड बायस हमारा क्या होता है, ठीक है। देखो फॉरवर्ड बायस का कॉन्सेप्ट हमारा आता है, देखो हम लोग जैसे पीएन जंक्शन बनाते हैं ना, अगर हम लोग पीएन जंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा ये पी है, ये एन है, यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है और एक साइड में हमारा प्लस चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है। देखो यहाँ तक आप लोगों को पता होगा, और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, यानी कि पोटेंशियल बैरियर जो है इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज हम लोग लगाएंगे पी साइड में, तब हमारा क्या होगा, हमारा चार्ज का फॉर्मेशन, मतलब सॉरी चार्ज जो है एक साइड से दूसरे साइड जा पाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है, देखो फॉरवर्ड बायस के ऊपर आते हैं, तो फॉरवर्ड बायस का कंसेप्ट यही कहता है कि हम लोग जो है ना पी साइड में पॉजिटिव वोल्ट को अप्लाई करते हैं और एन साइड में निगेटिव को अप्लाई करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा मेजोरिटी कैरियर होल होता है। अब देखो मेजोरिटी कैरियर होल होता है, होल जो हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, होल जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग जैसे पॉजिटिव लगाए, होल ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि हमारा पोटेंशियल बैरियर क्या होगा इसके कारण से, कम होगा। यानी कि फॉरवर्ड बायस के केस में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा हमारा क्या होगा, हमारा जो है
करंट फ्लो करने के लिए, यानी कि चार्ज इधर से उधर जाने के लिए रास्ता जो है उसके लिए आसान हो जाएगा, बैरियर कम होते जाएगा। यानी कि अगर रास्ता आसान होगा, यानी कि अगर करंट इजीली अगर हमारा फ्लो होने लगेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी डिक्रीज करने लगेगा। सिंपली सोचते हैं हम लोग, आइडिया नहीं प्रैक्टिकली भी सोच रहे, यानी कि इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ ओम होता है। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ ओम नहीं लिख सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑप्शन कुछ और नहीं दिया तो हमारा सबसे मिनिमम जो है उसको टिक कर दिए, ऑर्डर ऑफ ओम। ठीक है, अब आते हैं एन वाले में भी क्या होगा। एन वाले में हम लोग एन टाइप में क्या जानते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है मेजोरिटी कैरियर होता है, यानी कि ये भी निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि दोनों तरफ से रिपेल होगा। क्या होगा, बैरियर कम होगा, जितना ही बैरियर कम होगा हमारा क्या होगा, इजीली जो है चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा एक साइड से दूसरे साइड में। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आएंगे यहाँ पे बैरियर का कॉन्सेप्ट आएंगे। द बैरियर वोल्टेज ऑफ द बैरियर वोल्टेज एट ए पीएन जंक्शन फॉर जर्मेनियम इज अबाउट। देखो हम लोग जो है ना बैरियर वोल्टेज के बारे में भी पढ़े, तो देखो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल जो होता है 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकन के लिए 0.7 वोल्ट, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज, ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज, ऑप्शन क्या है, वेरी नैरो डिप्लीशन लेयर, ऑलमोस्ट नो करंट, वेरी लो रेजिस्टेंस। देखो तो सबसे पहली बड़ी बात है कि रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पे फिर से पोटेंशियल बैरियर के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। पी और एन बन गया हमारा, ठीक है, या ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, इसको पी भी डिनोट कर देते हैं। अब देखो रिवर्स बायस का मतलब हो गया कि हम लोग जो है ना इस टाइप से, बायस का मतलब होता है कि हम लोग डीसी वोल्टेज अप्लाई करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर। ठीक है, बायसिंग का मतलब यही होता है, यानी कि हमारा पोटेंशियल बैरियर के रिवर्स बायस का मतलब क्या हो गया कि हम लोग पी साइड में निगेटिव सोर्स दें, निगेटिव टर्मिनल बैटरी, और एन साइड में हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी को कनेक्ट करें। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो इससे होगा ये कि हमारा जो है एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें मेजोरिटी कैरियर होता है। अब जब पॉजिटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करने से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर हमारा इंक्रीज करने लगेगा। अब इधर किस में आते हैं, पी हमारा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव सोर्स लगे, फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा। अब जो है पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होने से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारा करंट का जो फ्लो होगा वो आसानी नहीं होगा। ठीक है, करंट हमारा इजिली फ्लो नहीं करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस इसका होता है बहुत ज़्यादा, और नो करंट फ्लो भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा मैच कर रहा है। पहला तो दिख ही नहीं रहा है, वेरी नैरो डिप्रेशन ले रहा है तो होगा ही नहीं, वेरी लो रेजिस्टेंस ये भी होगा ही नहीं, और लार्ज करंट फ्लो ये होगा ही नहीं, ऑलमोस्ट नो करंट हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछ दिया कि हमारा क्या है कि ए रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज ए रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन हैज ए रेजिस्टेंस। अब देखो हम, मैं यहाँ पे रिवर्स बायस का स्टेटमेंट लिख देता हूँ क्या क्या होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है कि हम लोग एक्सटर्नल डीसी सोर्स वैसे लगाते हैं कि हमारा पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है, तो हम लोग हमारा जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है इसका पोटेंशियल बैरियर कैसे इंक्रीज करेगा, अगर हम एन साइड में निगेटिव और पी साइड में पॉजिटिव से कनेक्ट करें, सॉरी पी साइड में निगेटिव और एन साइड में पॉजिटिव से कनेक्ट करें, तो हमारा पोटेंशियल बैरियर ये इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर, ये इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसके इंक्रीज करने से क्या क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करेगा, रिवर्स बायस द पोटेंशियल बैरियर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, द पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज, द पोटेंशियल बैरियर इज इंक्रीज। उसके बाद से क्या करेगा, द जंक्शन ऑफ आवर वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, द जंक्शन ऑफ आवर वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब ये हाई रेजिस्टेंस जो है हमारा, हाई रेजिस्टेंस, तो ये वेरी हाई रेजिस्टेंस जो हमारा मेगा ओम में होगा, हमेशा मेगा ओम में, यानी कि बहुत ज्यादा होगा। उसके पास क्या होगा, नो करंट फ्लो, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, यानी तीनों केस हो सकता है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आते हैं, द लीकेज करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। देखो लीकेज करंट जो होता है ना हमारा माइनॉरिटी कैरियर के वजह से होता है, लीकेज करंट हमेशा जो है माइनॉरिटी कैरियर के वजह से होता है। जितना माइनॉरिटी कैरियर है ये क्या करता है, लीकेज करंट हमारा फ्लो कराता है। अब लीकेज माइनॉरिटी कैरियर होता क्या क्या है, पी टाइप के लिए माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, पी टाइप के लिए हमारा माइनॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन,
और हमारा एन टाइप के लिए माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल। ठीक है, होल। चलो यहाँ तक क्लियर है, अब नेक्स्ट आते हैं। देखो बायस वाला क्वेश्चन आ गया, विथ फॉरवर्ड बायस टू पीएन जंक्शन द विथ सबसे डिप्लेशन लेयर। देखो फॉरवर्ड बायस के में हम लोग पहले भी पढ़ लेते कि जैसे हम लोग फॉरवर्ड बायस करेंगे पीएन, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हो गया कि पी तरफ में पॉजिटिव, एन साइड में निगेटिव, ये क्या करता है डिप्लेशन लेयर को कम करता है। यानी कि फॉरवर्ड बायस की वजह से क्या होगा, और लॉजिक भी समझ में आ रहा है कि कैसे डिप्लेशन लेयर हमारा कम हो रहा है। विथ फॉरवर्ड बायस टू ए पीएन जंक्शन द विथ सब डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेज। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लीकेज करंट इन ए पीएन जंक्शन इज ऑर्डर ऑफ। अब देखो लीकेज करंट हमारा माइनॉरिटी कैरियर से वजह से होता है जो कि बहुत कम होता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर प्रोड्यूस्ड बाई। देखो हम लोग एकदम शुरू में ही पढ़े थे कि हमारा जो है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है। इसमें हमारा क्या होता था, इसमें हम लोग देखते थे कि रूम टेम्प एट ए रूम टेम्परेचर हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है सेमीकंडक्टर हमारा क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एट ए रूम टेम्परेचर हमारा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता था। ब्रेक होने के साथ वो क्या कर रहा था, जैसे ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं जाएगा तो एक होल छोड़ के जाता था। तो होल को हम लोग क्या लगते थे कि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। होल हमारा जो होता था इसका हम लोग बोलते थे कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता था, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता था। ठीक है, निगेटिव चार्ज। अब होल क्यों होता था, होल आने के पीछे सिग्निफिकेंस क्या था, तो हमारा जो बॉन्ड ब्रेक होता था ना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ मानकर चलते हैं, तो ब्रेक होने की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, अगर इलेक्ट्रॉन गया है यहाँ से तो यहाँ कुछ छोड़ के जाएगा, तो एक होल हम लोग इसको मान लेते थे कि होल हमारा जो है यहाँ पे, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज की तरह ले लेते थे। ठीक है, अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें। अब हम लोग क्या देखते थे कि हम लोग एक और चीज पढ़े थे सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर जो होता है हमारा क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। हम लोग क्या पढ़े थे कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या करेगा हमारा सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा बोलो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, यानी कि रेजिस्टेंस कम होते होते सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करता था, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप से क्या होता था, उसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेकडाउन होकर के ब्रेक होकर के होल और हमारा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर देता था। ठीक है, और वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर का फॉर्मेशन होता था वो थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा था। यहाँ पर हम लोग कुछ और नहीं कर रहे थे, हमारा जो है थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का फॉर्मेशन हो जा रहा था। ये चीज समझ गए आप लोग। अब बताओ एक और चीज बताओ, जैसे टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो रेजिस्टेंस तो बहुत बढ़ जाएगा। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, यानी कि हमारा जो सेमी कंडक्टर है इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कि रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। ये भी एक केस हो सकता है कि नहीं, वो केस कहाँ से निकल गया कि हमारा सेमी कंडक्टर जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एन इंसुलेटर एंड ए सेमी कंडक्टर। अब देखो इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर के बीच का डिफरेंस बताओ। देखो एक और चीज हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सेमी कंडक्टर में जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या अंतर होता है बोलो। हमारा जो है सेमी कंडक्टर में, देखो मैं यहां बता देता हूँ, तीनों के लिए बता देता हूँ, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और फिर इंसुलेटर, तीनों का केस लेके मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला हम लोग कंडक्टर लेते थे, कंडक्टर, फिर हम लोग लेते हैं सेमी कंडक्टर, फिर हम लोग लेते हैं इंसुलेटर। ओके, अब देखो होता क्या है, केस क्या निकल गया था। देखो सबसे पहले जो है हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हमारा मान लेते ये वैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, क्लियर। अब देखो हमारा कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता था, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता था, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता था। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता था दोनों रीजन, यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा होता है, किस केस में, कंडक्टर के केस में। अब आते हैं इंसुलेटर में, तो इसके बीच में गैप है, ये गैप हमारा जो है, ये गैप है, ये इसके बीच में गैप है, कुछ गैप है। अब जो है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा।
वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। अब जो है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी जो गैप है उसको हम लोग एनर्जी गैप भी बोलते हैं, उसको हम लोग एनर्जी गैप भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंसुलेटर के केस में अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा चाहिए बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को, ताकि हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज इजीली हो पाए, तो हमारा वो मटेरियल जो है कंडक्टर की तरह बिहेव कर पाए। अब आते हैं बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसके लिए इंसुलेटर में। तो इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप जो होता है ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा जो है कुछ जो है एनर्जी देने के बाद भी हमारा इंसुलेटर जो है कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि इसका एनर्जी गैप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो एक ये भी बेसिस हो गया। तो हमारा क्या बोल सकते हैं कि पहला डिफिनेशन होगा कि वाइडर फॉरबिडन गैप, चलो ये भी सही है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी सही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हमारा सही हो गया, ठीक है। अब आ गया हमारा बायस वाला क्वेश्चन। गिव द टर्म बायस मींस, पहले ही मैंने बताया था कि बायस का मतलब होता है कि डीसी वोल्टेज हम लोग जो अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर वो हमारा बायस होता था। हमारा यहीं पे ऑप्शन थर्ड दिख रहा है कि डीसी वोल्टेज अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमारा क्या होगा, बायस हो गया। तो कहीं पर भी आपको बायसिंग दिया रहता है आप लोग ये कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं, बायस का मतलब बहुत छोटा होता है लेकिन समझना जरूरी है कि डीसी वोल्टेज हमेशा याद रखो कि डीसी वोल्टेज, ठीक है, डीसी वोल्टेज, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू सेमी कंडक्टर होल विल फ्लो, अगर हम लोग सेमी कंडक्टर के ऊपर वोल्टेज लगाते हैं तो होल हमारा क्या होता है, पहले ही हम लोग बोले थे होल जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या करेगा, अवे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ गया है तो इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, यानी कि ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसमें भी कोई भी हम लोग मिलावट नहीं किए हैं, जैसे हम लोग एटम्स को मिला देंगे हमारा एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो जाता है। तो क्या बोला कि प्योर सेमीकंडक्टर हमारा -270 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसका बिहेवियर कैसा होगा, यानी कि वो हमारा जो है वहाँ पे नो होल्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। नो होल्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारा ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। पहले ही मैंने पढ़ा था कि वो हमारा इंसुलेटर की तरह काम करने लगेगा। अब नेक्स्ट आते हैं। मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, देखो मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर, ऑप्शन फर्स्ट हमारा जर्मेनियम है, सेकंड कार्बन, थर्ड कॉपर, सिलिकॉन। देखो यहाँ पे आप लोग एक बात बताओ, जर्मेनियम अगर प्योर फॉर्म में है तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए हमारा बैरियर पोटेंशियल कितना चाहिए 0.7 वोल्ट। अगर हम लोग सिलिकॉन के लिए करें तो इसके लिए कितना चाहिए 1.1 वोल्ट, ठीक है, 1.1 वोल्ट। फॉरबिडन एनर्जी गैप चाहिए हमारा इतना कम किसके लिए, सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए। ये हमारा क्या चाहिए, एनर्जी गैप, यानी कि हमारा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी का जो जरूरत पड़ता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन दिख गया यहाँ पे। अब जो है हम लोग अगर पीएन जंक्शन बनाते हैं तो वहां पे देखो, पीएन जंक्शन अगर बनाते हैं, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन जब करते हैं, वहां पे अगर हमारा जर्मेनियम मटेरियल का होगा तो 0.7 वोल्ट चाहिए, ठीक है, और सिलिकॉन के लिए चाहिए पोटेंशियल वैल्यू को खत्म करने के लिए 0.7 वोल्ट। ये हमारा पीएन जंक्शन के केस में हो गया, वो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर वाले केस में हो गया। अब जो है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग अगर पीएन जंक्शन भी बना रहे हैं, पीएन जंक्शन से डायोड बनाएंगे तो 0.7 जर्मेनियम के लिए लगेगा, सिलिकॉन के लिए 0.7 लगेगा, तो हमारा कम एनर्जी तो लगेगा किसके लिए, 0.3 जर्मेनियम के लिए, तो हमारा जर्मेनियम ही यूज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जर्मेनियम यूज नहीं होता, जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन यूज होता है। इसके पीछे वजह क्या है, सिलिकॉन का जो हमारा रिवर्स रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सिलिकॉन क्यों यूज होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक, आप लोग लिख लो यहाँ पे, जरूरी है ये याद रखना, सिलिकॉन हमारा क्यों यूज होता है उसको मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे जर्मेनियम के लिए लिख लो, पहले जर्मेनियम के लिए हमारा जो होता है द रेशियो ऑफ रिवर्स टू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इतना होता है, और हमारा सिलिकॉन के लिए होता है रेशियो ऑफ रिवर्स टू फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास। यानी कि हमारा रिवर्स रेजिस्टेंस क्या हो गया सिलिकॉन में, बहुत ज़्यादा हो गया।
अब देखो आप बोलोगे कि रिवर्स रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सिलिकॉन का यूज करेंगे, ऐसा क्यों? देखो होगा क्या कि रिवर्स रेजिस्टेंस ज्यादा है तो लीकेज करंट हमारा क्या होगा, कम फ्लो होगा। लीकेज करंट कम फ्लो होगा तो हमारा जो है ब्रेकडाउन होने का चांसेज कम रहता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होने का चांस कम रहता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा क्या होगा, लीकेज करंट कम होगा तो हमारा जो है थर्मल हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, क्लियर है? यानी कि हम लोग सिलिकन का इसीलिए यूज करते हैं, नहीं तो सिलिकन का हमारा क्या आता है, एनर्जी ज़्यादा लगता है, 0.7 वोल्ट लगेगा और हम हमारा वो इसमें जर्मनी में 0.3 वोल्ट लगेगा, फिर भी हम लोग सिलिकन का यूज करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है कि उसका रिवर्स रेजिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू जर्मेनियम। अब यहाँ पे देखो फिर क्वेश्चन आ गया, द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर। पहले ही हम लोग पढ़े थे कि कंडक्टर के केस में हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहता है, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले करा, यानी कि जीरो हो गया यहाँ पे, एनर्जी गैप तो कुछ है ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। नेक्स्ट आते हैं, द मेजोरिटी कैरियर इन ए सेमी कंडक्टर आर प्रोड्यूस बाई, तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि मेजोरिटी कैरियर जो है सेमी कंडक्टर में किसके वजह से प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की वजह से, ठीक है, सॉरी मेजोरिटी कैरियर इन सेमी कंडक्टर प्रोड्यूस बाई डोपिंग, सॉरी डोपिंग की वजह से, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा, डोपिंग की वजह से। नेक्स्ट आओ, माइनॉरिटी कैरियर इन सेमी कंडक्टर प्रोड्यूस बाई, माइनॉरिटी कैरियर प्रोड्यूस बाई, माइनॉरिटी कैरियर किसके वजह से प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। मेजोरिटी कैरियर किसके वजह से होगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से माइनॉरिटी कैरियर होगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। अब पहले ही मैंने पढ़ा था कि जिस प्रोसेस से ऐड करते हैं उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी टू एन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। अब फिर हम लोग देख रहे हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, यानी कि इंट्रेंसिक का मतलब ये होगा कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप लोग जो है ना वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा वीडियो बताइएगा आप लोग। चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इन एन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर आर ओनली होल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर, देखो पहले ही पढ़ा था मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली प्रोड्यूस, ये मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट सारा कवर किया है क्वेश्चन के माध्यम से, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।